da cassettes. हे गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस मिट्टी के बालक में अचानक प्राण कहाँ से टल गए। बेटा गोरख, तुम अभी अनुभवहीन हो। तुम अभी शिव जी का ध्यान कर और तपस्या करके उनको प्रसन्न करके वरदान प्राप्त करो। गोरख, शिव की कृपा बिना ये सारी विद्याएं अधूरी हैं। अगर तुमने शिव जी कृपा प्राप्त कर ली होती तो गाड़ीवान बनाते समय तुम संजीवनी विद्या का पाठ नहीं करते। बेटा गोरख, कभी कभी ऐसी भूलों से अनहोनी हो सकती है। हे गुरुदेव, मुझे भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने की कौन सी विद्या अपनानी पड़ेगी? बेटा गोरख, बद्रीनाथ आश्रम के पास एक तपोवन है, वहाँ तुम्हें घोर तपस्या करनी होगी। फिर तपस्या के बाद में बद्रीनाथ प्रभु का आशीर्वाद भी लेना पड़ेगा, तभी तुम्हारी सारी विद्याएं सफल होंगी। गुरुदेव, मैं आपका कहावा ही करूंगा। बेटा गोरख, अब हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। तुम अपना काम करो, फिर भोलेनाथ की कृपा से कभी मिलना होगा। लो, ये तुम्हारे लिए। आदेश गुरुदेव। अरे, मुझे कोई सही स्थान खोजना चाहिए जहाँ बैठकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर सकूं। वो रही ठीक जगह, वहवट वृक्ष मेले सही रहेगा। अब मुझे यहाँ पर ही समाधि लगा देनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ मेरी रक्षा स्वयं करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कौन है ये जो मेरे नाम की माला जप रहा है? ओम नमः शिवाय,
पिछले 12 वर्ष बीत गए हैं, ना तो इसने अन्न खाया है और ना ही जल पिया है, केवल वायु के सहारे जिंदा रह रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखूं तो जरा, ओम नमः शिवाय। इस भक्त की क्या मनोकामना है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो भगत, नमः शिवाय। आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। भोलेनाथ, आज आपने साक्षात दर्शन देकर मेरे जीवन को धन्य कर दिया। अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो भक्त। भोलेनाथ, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी सारी विद्याएं ज्ञान से परिपूर्ण हों और मैं आपके चरणों का दास बना रहूं। जो विद्याएं तुमने अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ से सीखी हैं, तथा जो विद्याएं तुम्हें आगे प्राप्त होंगी, उन सभी विद्याओं की सिद्धि प्राप्त होगी। प्रभु, आपका वरदान मिलने से मेरी सारी तपस्याएं सफल हुई। इस प्रकार भगवान शिव से शक्तियां पाकर गोरखनाथ गोपी चंद की नगरी में पहुंचते हैं। कहो बच्चा, नगरी में सब कुशल मंगल तो है? जी नाथ जी, परंतु। परंतु क्या? क्या बताऊं नाथ जी, डर लगता है। डरने की कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। नाथ जी, हमारे राजा गोपीचंद ने एक महान योगी को जलंधर नाथ को कैद करके रखा हुआ है और उसकी बड़ी ही दुर्गति कर रखी है। चलो बच्चा, तुम हमें राजमहल के द्वार तक छोड़ कर आओ। चलो गुरुजी। चलो। अलक निरंजन, अलक निरंजन, अलक निरंजन। सैनिक, जाइए जाकर नाथ जी को भिक्षा देकर आइए। हुकम रानी सा। ये लो नाथ जी भिक्षा। हम रानी यानी राजमाता के हाथों से ही भिक्षा ग्रहण करेंगे। जो आदेश नाथ जी। अलग निरंजन। क्या हुआ सैनिक, आप ये भिक्षा नाथ को देकर नहीं आए? राजमाता, वो साधु तो आपके द्वारा दी गई भिक्षा ही लेना चाहते हैं। लाइए ये थाल मुझे दीजिए, मैं स्वयं जाकर देखती हूँ। ऐसे कौन से साधु बाबा आए हैं? लीजिए महाराज भिक्षा। तो आप हैं राजमाता? जी नाथ जी, और आप कौन से पंथ से हैं? मैं मच्छिंद्रनाथ का शिष्य गोरखनाथ हूँ। आपके मस्तक की रेखा बता रही है कि आप नाथों और साधु संतों की बड़ी सेविका हो। जी सेविका तो हूँ, लेकिन। लेकिन क्या, हमें बताएं। हमें मालूम हुआ है कि आपने एक महान योगी जलंधर नाथ को कैद किया हुआ है, ऐसा क्यों? हम उन्हें मुक्त कराना चाहते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो केवल अपने पुत्र गोपीचंद को अमृतत्व दिलाना चाहती हूँ। मैंने उनसे ये बात ऐसे ही कह दी थी। न जाने कौन से शक में योगी जालंधर नाथ को कैद कर लिया गया है। साधु संत तो भगवान के दूत भगवान के रूप होते हैं, उन्हें सताने से राजकाज में बहुत बड़ी हानि होती है। आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं महाराज, मैं आपकी शिष्या बनना चाहती हूँ, तथा मेरी एक ही मनोकामना है कि मैं अपने पुत्र गोपीचंद को योगी बनाऊं। मुझे शिष्य बनाना मंजूर है, बाकी भोलेनाथ भला करेंगे। मुझे आशीर्वाद देकर जाइए महाराज।
हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कभी किसी नाथ महात्मा साधु को कष्ट मत देना। महाराज, मैं आपकी बात को उपदेश समझकर हमेशा याद रखूंगी। साधु संत महात्मा काहे इन्हें सताए, साधु संत महात्मा काहे इन्हें सताए। जाने कौन से रूप में श्री हरि मिल जाए रे मानुष, श्री हरि मिल जाए। शुभ कर्मों से जीव यहाँ पर मानुष रूप में आए, शुभ कर्मों से जीव यहाँ पर मानुष रूप में आए। शुभ कर्मों को छोड़ के होवत नहीं हिताए, प्रभु बिन होवत नहीं हिता। संशय में कर देह किसी की देते वृथा दुखाए, संशय में कर देह किसी की देते वृथा दुखाए। कर भला सो भला बुरा किए पछतार मनवा, बुरा किए पछतार। द्वारे मंगता हो खड़ा झोली दे फैलाए, द्वारे मंगता हो खड़ा झोली दे फैलाए। मुट्ठी भिक्षा दे न सके तो बुरा भी बोलत नाय रे मानुष, बुरा भी बोलत ना। नाथ जलंधर राज में बिना कैद कराए, नाथ जलंधर राज में बिना कैद कराए। कैसे राजन हो गए रूह बड़ी घबराए, सोच कर रूह बड़ी घबराए। सकल जगत में सिख बुरी बहुत बुरी है हाल, सकल जगत में सिख बुरी बहुत बुरी है हाय। हाय जिसको जा लगे देती वंश मिटाए मनुष्य का, देती वंश मिटाए। कर्म कमल सिंह ही यहाँ किस्मत है कहला, कर्म कमल सिंह ही यहाँ किस्मत है कहला।
माई, हमने जो कहना था सो कह दिया, समझने वाले के लिए तो इशारा ही काफी है। महाराज, मुझे आपके वचन हमेशा याद रहेंगे। प्रणाम नाथ जी। आदेश, आदेश, आदेश। नाथ जी आइए, विराजिए, दोपहर का समय है, कुछ विश्राम करें। भाई, आपका परिचय क्या है? मैं गुरु मच्छंद्रनाथ का शिष्य हूँ, मेरा नाम गोरखनाथ है। बहुत अच्छा दिन है जो आपके दर्शन हुए। कहिए नाथ जी, आपकी क्या सेवा करूं? नहीं नहीं, कोई सेवा नहीं चाहिए। यहाँ से जा रहे थे, संभव ही आपसे मुलाकात हो गई। गुरु महाराज की कृपा से बड़ी मौज है। अरे नहीं नाथ जी, कुछ तो जलपान होना ही चाहिए। नाथ जी, क्यों व्यर्थ में तकलीफ उठा रहे हैं? कुछ पल बैठेंगे फिर चले जाएंगे। इसमें तकलीफ की क्या बात है, ये तो जगत की रीत है, तो हम भी वही निभा रहे हैं। इस बाग के आम बहुत ही मीठे हैं और स्वादिष्ट हैं। अगर आपके खाने की तमन्ना हो तो हम मंगवा दें। भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? इसमें परेशान होने की क्या बात है, मैं यहाँ बैठे बैठे ही विद्या से आम मंगवा देता हूँ। विद्या से आम? मैं समझा नहीं। हाँ हाँ, मुझे विद्या आती है, मंत्रों से मैं आम पेड़ से तोड़ सकता हूँ। अरे नाथ जी, ये तो चमत्कार हो गया, आपके मंत्रों से आम पेड़ से नीचे आ गए। लीजिए, आम बहुत मीठे हैं, खाने के बाद आप बार बार यहाँ आएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम भी खाते हैं और आप भी खाइए। वाह वाह, मजा आ गया, पेट भर गया, मन नहीं भरा। जी भर कर खा लो नाथ जी, अभी तो बहुत सारे बचे हुए हैं। बस बस, इन बचे हुए आमों को वापस पेड़ पर लगा दीजिए, वरना ये खराब हो जाएंगे। भाई गोरखनाथ, कैसी अनहोनी बातें कर रहे हो, पेड़ से टूटे हुए आम कभी लग जाते हैं? जैसे ये टूटने से पहले लगे हुए थे वैसे ही लगा दीजिए। आप किसी अपूर्ण गुरु के शिष्य लगते हो जो ऐसी अनहोनी बातें कर रहे हो। मेरे गुरुजी ने मुझे इतना सामर्थ्यवान बना रखा है कि मैं इन टूटे हुए आमों को पेड़ पर लगा सकता हूँ। आपके गुरु वही है ना जो त्रिया राज्य में लिप्त हैं, भोग विलास ही उनका जीवन है। कानिफा नाथ जी, आपको अपने गुरु की दुर्दशा के बारे में भी कुछ पता है, जो बेचारे राजा गोपीचंद के महल में गड्ढे में दबे हुए हैं। अगर आप में इतना ही कुछ करने की सामर्थ्य है तो उन बेचारे को छुड़वा क्यों नहीं लेते? अगर मुझ पर विश्वास नहीं तो जाकर देख लो। ऐसे व्यर्थ में गाल बजाने से कुछ नहीं होता, कुछ करके दिखलाए तो जाने। लो, टूटे आमों को मैं पेड़ पर लगाकर दिखाता हूँ। Thank you.
माफ करना भाई गोरखनाथ, तुम जीत गए, मैं हार गया। मैं विद्या बुद्धि में आपसे कम हूँ। नहीं नहीं नाथ जी, आपसे मुलाकात तो मेरे लिए बहुत फायदेमंद हुई। आपके कारण मुझे मेरे गुरुजी का पता लग गया। अब मैं उन्हें आसानी से ढूंढ लूंगा। और हाँ, आपके द्वारा खिलाए गए आमों को मैं हमेशा याद रखूंगा। अच्छा कनीफा नाथ जी, अब मैं चलता हूँ। आदेश 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 नाथ जी आदेश। और इस प्रकार कनीफा नाथ से आज्ञा ले गोरखनाथ जी ददरेवा नगरी में नौलखे बाग पहुंचते हैं, जो सूख चुका था। रानी बाछल की जय हो, रानी बाछल की जय हो। क्या बात है सैनिक, इतने उतावले क्यों हो? रानी साहिबा, बात ही कुछ ऐसी है। तुम बताओगे तभी तो मालूम होगा ना। महारानी जी अपने नौलखा बागों में साधु संत आकर धूना लगाए बैठे हैं। उनके बागों में आते ही सूखे बाग हरे भरे हो गए हैं। उनके आते ही सूखे तालाबों में गंगा जैसा शीतल जल लबालब भर गया है। सैनिक, तुम कोई सपना तो देखकर नहीं आए हो या बावरे हो गए हो जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम चाहो तो महलों की अटारी से भी देख सकते हो। काचल, अरे ओ काचल, जरा सुन तो। हाँ कहो, क्या बात हो गई? अरे चमत्कार हो गया, अपने नौलखा बाग में कुछ साधु महात्मा आए हैं और उनके आते ही अपना पूरा बाग हरा भरा हो गया है। सूखे कुएं, तालाब, अच्छा बावड़ियों में जल भर गया है। लगता है हमारे ददरेवा की किस्मत बदलने वाली है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। शायद भगवान ने कोई दूत बनाकर भेजा है। मैं तो दर्शन करने जरूर जाऊंगी, शायद हमारे दिन बदल जाए। महलों में आज तक बालक की किलकारी नहीं गूंजी है। दोनों की दोनों बहनें बांझ के समान हैं। महारानी, उनमें से एक साधु ने ऊंचा आसन लगाए रखा है, लगता है वही उनका गुरु है। रानी साहिबा, आप चाहो तो महलों की अटारी से भी देख सकती हो। हाँ हाँ, देख भी लूंगी और उनके दर्शन करने भी जाऊंगी। तू क्या दर्शन करेगी? तुझसे पहले तो मैं पूजा की थाली लेकर पहुँच जाऊंगी और एक बेटे का वरदान भी ले लूंगी। अगर महाराजा जेवर सिंह यहाँ होते तो कितने खुश होते। ऐसे साधु कब कब आते हैं? मुझे तो लगता है स्वयं गुरु गोरखनाथ ही आए होंगे। अब मेरा सपना पूरा होने वाला है। अब हमारे भी कुल का दीपक महल में आ जाएगा। गुरु गोरखनाथ तो ददरेवा नगरी के कुल गुरु हैं। वो हम पर कृपा जरूर करेंगे। मैं तो नाचूंगी, गाऊंगी, झूमूंगी।
जाऊं दर्शन करने री, आए बागों में है जोगी। जाऊं दर्शन करने री, आए बागों में है जोगी। इच्छा पूर्ण अब होगी, इच्छा पूर्ण अब होगी। जाऊं जाऊं दर्शन करने री, आए बागों में है जोगी। जाऊं दर्शन करने री, आए बागों में है जोगी। बहुत दिनों से मैं तो उनका रास्ता रही निहार, हाँ बहुत दिनों से मैं तो उनका रास्ता रही निहार। अरे शुभ घड़ी आएगी एक दिन, रही थी मन में धार। जाऊं जाऊं दर्शन करने री, आए बागों में है जोगी। जाऊं दर्शन करने ओहो, ओहो,
बांदी, मेरी बात ध्यान से सुन और किसी से कहने की गलती ना करना, नहीं तो तुझे सजा मिलेगी। नहीं नहीं, मैं आपका हुक्म कैसे टाल सकती हूँ। रानी साहबा कहिए, क्या बात है? मैं अपनी बहन बाछल से पहले गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन करने नौलखा बाग जा रही हूँ। जब तक वो पहुँचेगी तब तक मैं अपना दुखड़ा सुनाकर पुत्र प्राप्ति का वरदान लेकर वापस तक आ जाऊंगी। जल्दी जाइए रानी साहिबा, कहीं देर ना हो जाए। मेरी इस योजना का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं जा रही हूँ। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हे गुरु गोरखनाथ, मैं राजघराने की रानी आपके चरणों में शत शत नमन करती हूँ। सदा सुखी रहो। गुरुदेव, हमारे किस्मत में सुख कहाँ, हम तो केवल दुखी रहने के लिए ही पैदा हुई हैं। क्या बात है बेटी, राजघराने की रानी होने के पश्चात भी तुम खुश नहीं हो? महाराज, आप तो सब कुछ जानते हैं, महल में अभी तक कोई राजकुमार पैदा नहीं हुआ है, यही दुख मुझे खाए जा रहा है। मेरी सुनी गोद ही मेरे दुख का कारण है गुरुदेव। भगवान भोलेनाथ भला करेंगे और तुम्हारी गोद जल्द ही हरी हो जाएगी। गुरुदेव, मैं ही बड़ी रानी बाछल हूँ और राजा जेवर सिंह जी भी मुझसे संतान चाहते हैं। कृपा करके मुझे पुत्र वरदान दे। ये लो बेटी भसम, इसे गाय के दूध के साथ खा लेना, तुम्हें एक नहीं दो दो पुत्रों की प्राप्ति होगी, ये हमारा वरदान है। हे गुरु गोरखनाथ, आपने तो इच्छा से कहीं ज्यादा दे दिया। मैं जीवन भर आपके गुण गाती रहूंगी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। सब भोलेनाथ की कृपा है। वाह मेरे गुरु गोरखनाथ, तुम्हें तो मैं अंतर्यामी समझ रही थी, लेकिन तुम तो काछल को पहचान ही नहीं सके। मैं बाछल बनकर आपसे पुत्र का वरदान ले गई और आपको पता ही नहीं चला। अब शीघ्र ही महल में पहुंचकर यह भस्म खा लेती हूँ, कहीं देर ना हो जाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ददरेवा के कुलगुरु, आपको मेरा शत शत नमन। सदा सुहागन रहो।
पुत्रवती भव। महाराज, मैं बड़ी अभागिन हूँ। न जाने कौन से पापों के कारण आज तक बांझ हूँ। महलों में पुत्र की किलकारी सुनने के लिए कान तरस गए हैं। एक पुत्र का वरदान लेने को आपकी शरण में आई हूँ। ओ ओगड़नाथ जी। गुरुदेव, देख रहे हो, अभी तो इसे पुत्र का वरदान दिया था और फिर दोबारा आ पहुंची दुख पहुंचाने को। गुरुदेव, वह वरदान तो आपने काछल कपटी को दे दिया है। यह तो बाछल रानी है, हम सबके लिए भंडारे का सामान लेके आई। माई, सच्चाई क्या है, हमें बताइए। गुरुदेव, हम दो बहनें काछल और बाछल हैं। दोनों ही रंग रूप और सूरत में एक सी ही हैं। और काछल ने इसी बात का फायदा उठाकर आपसे पुत्र प्राप्ति का वरदान ले लिया।
देखो तो कितना खराब जमाना आ गया है। लोग संत महात्माओं को भी धोखा देने से चूकते नहीं। मैं भी देखता हूँ काचल भागकर कहाँ जाती है। महाराज मेरा क्या होगा, मैं भी तो आपकी भक्त हूँ, मुझे भी पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहिए। ठहरो मैं कुछ प्रयत्न करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव, ए पाताल लोक के राजा नागदेव वासुकी, मैं आपके पास एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ। मुझे अपनी भगत रानी बाछल को एक वरदान देना है, वो भी एक पुत्र संतान का। मुझे पता है उनके भाग्य में संतान सुख नहीं है, फिर भी मुझे उसको एक पुत्र का वरदान देना है। मुझे ऐसा वरदान देना है कि उसके पुत्र को सारा संसार पूजे। गुरुदेव आप चाहे जिसे ले जाओ, चाहो तो तासक नाग को ले जाओ। नहीं नागराज, मुझे तो केवल पद्म नाग की आवश्यकता है। ले जाइए गुरुदेव पद्म नाग। तुम सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो। जो आज्ञा नागराज। नागराज आज से तुम्हारे इस पद्म नाग को लोग गोगा के रूप में जानेंगे। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। लो बेटा बाछल। जी गुरुदेव। गूगल प्रसाद है, इसके सेवन से तुम्हें वीरधीर एक पुत्र प्राप्त होगा जिसका यश सारे संसार में फैलेगा। गुरुदेव की जय हो। और निसंतान रानी बाछल को जहर वीर गोगा रूपी पुत्र रत्न प्रदान कर गोरखनाथ जी अपने गुरु मच्छंदर नाथ जी को रानी मैनाकनी की कैद से आजाद करवाने
त्रिया राज्य पहुंचते हैं, जिसकी रखवाली पवन पुत्र हनुमान जी की जिम्मेदारी है। मैं त्रिया राज्य की सीमा में तो पहुंच गया हूं, पर कोई उपाय नहीं सूझ रहा कि त्रिया राज्य में प्रवेश कैसे किया जाए। आज तो गाने बजाने का बड़ा अच्छा मौका मिला है सखी, रानी साहिबा तो सचमुच खुश हो जाएंगी। अरे लगता है। मैं तो अपना सितार भी ले जा रही हूँ। आज तो बहुत ही मजा आएगा गायन शैली में ही आएगा। और सच में कितना अच्छा मौका है ना, कितना सुअवसर है। ये तो आ ही गई। आज तो राग मल्हार गाऊंगी। हाँ, बड़े दिनों के बाद ऐसा मौका मिला है। आप कहाँ से आ रही हैं? हम पास के नगर से आई हैं और वहीं की रहने वाली हैं। आप कहाँ जाएंगी? हम त्रिया राज्य में जाएंगी। वहाँ क्या करने जा रही हैं? हम वहाँ संगीत कला का प्रदर्शन करने जा रही हैं। क्या उस राज्य में कोई संगीत कला में निपुण नहीं है? है क्यों नहीं, लेकिन सबकी कला जुदा होती है। महारानी मैनादनी को नई नई कलाओं का शौक है। इस टोली की मुखिया आप हैं? हाँ नाथ जी, नाचना गाना हमारा व्यवसाय है। कलिंगा नाम है मेरा, और कुछ पूछना है क्या? नहीं, हम तो साधु संत हैं, हमें व्यर्थ की बातों से क्या लेना देना। मेरा अभिप्राय तो इतना था कि मुझे भी अपने साथ ले चलती। अच्छा, साधु होकर भी त्रिया राज्य में जाना चाहते हैं? ये तो मुझे भी पता है, कामदेव के प्रभाव से कोई साधु सन्यासी नहीं बच पाया। यह बात नहीं है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बस पेट भरने के लिए दो रोटी मिल जाए और कोई लालसा नहीं। मैं तो बस त्रिया राज्य देखना चाहता था, बाकी आपकी इच्छा। ऐसा साधु मिलना बहुत कठिन है जिसे केवल दो रोटी की ही आवश्यकता हो। रही बात आपको त्रिया राज्य में ले जाने की, तो एक ही समस्या है, हम आपको वहाँ किसी प्रकार नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहाँ कोई पुरुष जा ही नहीं सकता। माता जी, वहाँ पुरुषों की मनाई का क्या कारण है? सुना है वहाँ पवन पुत्र हनुमान जी आकर गर्जना करते हैं, जिससे वहाँ की स्त्रियाँ गर्भवती हो जाती हैं, तथा उस गर्जना को सुनकर कोई भी पुरुष जिंदा नहीं रहता, वहाँ सिर्फ कन्या ही उत्पन्न होती है। बड़ी विचित्र कहानी है वहाँ की। ब्रह्मचारी जी, विचित्र बात तो हमें भी लगती है, वहाँ की जलवायु ही ऐसी है जिससे वहाँ कोई पुरुष जिंदा ही नहीं रहता। हे माता, हम साधु सन्यासियों का पवन पुत्र कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर उन्होंने मुझे सताने की कोशिश की तो मुझे भी कोई उपाय करना पड़ेगा। आप ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं? मैं अपने तपोबल से औरत का रूप धारण कर लूंगा। जब मैं औरत का रूप धारण कर लूंगा तो हनुमान जी मुझे पहचान नहीं पाएंगे। नाथ जी, फिर तो आपको भी गर्भवती होना पड़ेगा ना। योगियों पर हनुमान के प्रभाव का कोई असर नहीं पड़ सकता। लेकिन हम तुम्हें वहाँ किस बहाने से ले चलें? मुझे अपना साजिंदा बनाकर ले चलो। आप तो साधु हैं, आपका भला सुरताल से क्या वास्ता? साज की क्या बात करते हो, मैं गायन नृत्य कला और बजाने की कला में निपुण हूँ, चाहो तो आजमा कर देख लो। अच्छा, आप संगीत गायन वादन कला भी जानते हैं? चाहो तो गाकर बजाकर दिखाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आता है मुझको भी गाना बजाना, आता है मुझको भी गाना बजाना, कर सकता हूँ मैं भी वेश जनाना, आता है मुझको भी गाना बजाना, आता है मुझको भी गाना बजाना। समझो मुझको तुम अनजान न समझो, संगीत में नादान न समझो, संगीत में नादान न समझो, चाहे जैसा सुन लो तराना,
आता है मुझको भी गाना बजाना, आता है मुझको भी गाना बजाना। जो चाहो वो साज बजाऊं, जो चाहो वो साज बजाऊं, नृत्य कहो तो नाच दिखाऊं, नृत्य कहो तो नाच दिखाऊं। आता है मुझको भी पल में रिझाना, आता है मुझको भी गाना बजाना, आता है मुझको भी गाना बजाना। मैंने पहचाने राग रागिनी, मैंने पहचाने लय सुर को भी सही पहचाना, आता है मुझको भी गाना बजाना, आता है मुझको भी गाना बजाना। सारे गाम पाधानी सा पिंगल पढ़कर कर दूं कविता, पिंगल पढ़कर कर दूं कविता। गुरु ने कमल सिंह दिया है खजाना, आता है मुझको भी गाना बजाना, आता है मुझको भी गाना बजाना। कर सकता हूँ मैं भी भेष जनाना, आता है मुझको भी गाना बजाना, आता है मुझको भी गाना बजाना। क्यों माताजी, कैसा लगा मेरा गाना बजाना? वाह वाह नाथ जी, वाह वाह, आपने तो कमाल कर दिया। आप तो हर फन मौला निकले। आपका संगीत सुनकर तो त्रिया राज्य की महारानी बहुत प्रसन्न होगी और हमें बहुत सा इनाम देगी। माता जी, जो भी इनाम मिलेगा वो सब तुम्हारा। महाराज, आपने अपना नाम नहीं बताया। आश्रम में तो संत कहने से ही काम चल जाता है, आप भी संत कह सकती हैं। महाराज चलिए, आप हमारे साथ चल सकते हैं, अभी तो बहुत दूर का सफर बाकी है। सब रुक जाइए, संध्या हो गई है, सूर्य देवता अस्त हो रहे हैं, हम सब यहीं रुककर विश्राम करेंगे।
संत जी आप भी विश्राम कर लीजिए। माता जी, हम साधु संतों का क्या सोना और क्या जागना, हम तो बैठे बैठे ही जागरण कर लेते हैं और सो जाते हैं। जैसी आपकी मर्जी। संत जी हम तो सोने जा रही हैं, चलिए। अब अपने गुरु को यहाँ से निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर मैं हनुमान जी को तेरे राज्य में आने ही ना दूं, तो समस्या सुलझ सकती है। मैं अपने मोहना शस्त्र, सपा शस्त्र, नागा शस्त्र, ब्रज शस्त्र और प्रेक्षा शस्त्र के द्वारा तेरे राज्य की सीमा को सील कर देता हूँ। फिर हनुमान जी सीमा के अंदर ही ना आ सकेगा।